हर महीने की 9 एवं 25 तारीख को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए अब निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा का डिप्टी सीएम ने शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस निःशुल्क सेवा का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश भर में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम आज श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ने इस निःशुल्क सेवा का शुभारंभ किया, जिसका लाभ प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को संबद्ध प्राइवेट सोनोग्राफी केंद्रों में भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि गर्भ अवस्था में जोखिम भरा स्थिति एवं गर्भस्थ शिशु में होने वाले विकृतियों की पहचान हेतु सोनोग्राफी अति आवश्यक है, जिसकी मदद से समय से गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका समुचित उपचार एवं सुरक्षित प्रसव कराया जा सकेगा। और इस उद्देश्य से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। नौ और 25 तारीख को हम सब मनाते हैं और उसी दिवस पर आज एक विशेष कार्यक्रम योजना की हम शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे पूरे मध्यप्रदेश से CMHO और सारे BPM से लेकर सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सोनोग्राफी के सेंटर से भी लोग जुड़े हुए हैं और एक बड़ा कार्यक्रम का शुरुआत है। तो यदि अगर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाना है तो हमें वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे जहाँ पर हमको आवश्यकता लगती है कि वहाँ पर कुछ करोगी। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले संजय गांधी अस्पताल में कहते थे कि सोनोग्राफी नहीं हो पाई, बहुत लंबी लंबी मिली थी, लेकिन मैंने जो पता किया तो बताया कि जैसे PGD हमारी सीट होंगी, कितनी सीट होंगी, 6 PGD के स्टूडेंट आ गए, मशीनों की कभी पहले से नहीं थी, तो अब एक भी वेटिंग नहीं है और रोज 250 फोटोग्राफी संजय गांधी अस्पताल में हुए। लेकिन जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। वहाँ रेडियोलॉजिस्ट डायनोसोलॉजिस्ट की कमी है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसको दूर भी कर देंगे। लेकिन जब तक हम ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं करते तो हाथ यहाँ तक के बैठे तो नहीं रह सकते, इसका दूसरा जो समाधान तो निकालना पड़ेगा। और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश दूसरा राज्य अब स्थापित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ पर हमने प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स को अपने साथ जुड़ा है और अपने पेशेंट OPD में देखने के बाद 5 महीने 18 माह से लेकर 20-25 माह के बीच में जो गर्भवती हमारी माताएं हैं उनका सोनोग्राफी होना बहुत जरूरी है।